आइसक्रीम वॉटरी हो रही है ऐसे क्यों किया आउट ऑफ टेन क्या बोलने वाला था मैं सो आई डोंट नो इफ यू नो दिस अबाउट मी बट मुझे विंटर बहुत ज्यादा पसंद है इतनी ज्यादा पसंद है कि मेरे सारे समर मंथ्स इस एंटिसिपेशन में निकलते हैं कि विंटर कब आएगी और जब विंटर आ जाती है तो मेरे सारे विंटर मंथ्स उस टेंशन में निकलते हैं कि विंटर खत्म हो जाएगी आई एम बेसिकली टू स्ट्रेस्ड टू बी ब्लेस्ड बट जो एक चीज मुझे विंटर के बारे में बहुत ज्यादा पसंद है वो है हॉट चॉकलेट एंड टुडे इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज इस टेस्टेड बाय शिवेश वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ 5 हॉट चॉकलेट प्री मिक्सेस वी विल कंपेयर देम टू फाइंड आउट विच वन इज द बेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड सो आज के हॉट चॉकलेट चैंपियनशिप के कंटेस्टेंट्स हैं और मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करके बहुत ही ज़्यादा हुसैन फ्रॉम इंडियन आइडल वाली फीलिंग आ रही है प्योरामेट देन वी हैव वाइट माउंटेन कंट्री बीन क्रिस्टोफर कोकोआ एंड कोकोसूत्रा सो फर्स्ट इंप्रेशंस अगर मुझे पैकेजिंग की बात करनी है तो फॉर मी द कंट्री बीन हॉट चॉकलेट रियली स्टैंड्स आउट इसका पैकेजिंग फील्स क्वाइट प्रीमियम सो आई लव दैट अगर मेरे को हॉट चॉकलेट की बात करनी है टू थिंग्स दैट रियली डिस्टिंग्विशेस अ हॉट चॉकलेट फ्रॉम एनी अदर चॉकलेट मिल्क या चॉकलेट ड्रिंक फॉर मी इज रियल चॉकलेट उसके अंदर एक्चुअली चॉकलेट होनी चाहिए एंड द फैक्ट दैट इट शुड बी क्वाइट थिक तो मैंने जब इंग्रेडिएंट्स चेक करे आई वॉज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड आउट कि सिर्फ कोको सूत्रा एंड कंट्री बीन में रियल चॉकलेट है बाकी तीनों प्रीमिक्सेस में सिर्फ कोको पाउडर डाला हुआ है एंड इवन व्हेन इट कम्स टू कॉर्नफ्लावर जो कि बेसिकली एक थिकनिंग एजेंट है दैट विल एक्चुअली मेक अवर हॉट चॉकलेट थिक वो भी सिर्फ इन्हीं दोनों पैकेजेस में एंड बाकी दोनों में नहीं है सो आई फील ऑलरेडी थोड़ा अगर मैं अनाउंस कर दूं विदाउट बीइंग बायस्ड बट जस्ट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर मुझे लग रहा है कि फॉर मी मे बी दीज टू विल स्टैंड आउट एंड अब मैं अगर जजमेंटल हो ही रहा हूँ तो लेट मी ऑल्सो जज इसका पैकेजिंग बिकॉज ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड इसके ऊपर जो हॉट चॉकलेट है मुझे नहीं लग रहा वो 50 ईयर्स में भी मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में नीचे उतरने वाली है बट बिकॉज मैं लाइफ में काफ़ी एडवेंचरस हूँ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ओनली प्योरामेट हॉट चॉकलेट लेट्स गिव दिस अ ट्राई तो प्योरामेट हॉट चॉकलेट प्रीमिक्स का MRP इज 70 रुपीज एंड आई लव हाउ इसके सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है विच इज शुगर कोको पाउडर एंड एडेड आर्टिफिशियल एंड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस साउंड्स एक्सट्रीमली एपेटाइजिंग Wow guys, this is a classic case of expectation versus reality. जो यहाँ पे packaging पे इतनी intense और इतनी extra thick hot chocolate बनाई थी वो expect करते हुए मुझे actually यहाँ पे मिला है basically एक थोड़ा सा light brown color का दूध इसको try कर लेते हैं but फिर भी ऑनेस्टली ये ऐसे ही लग रहा है कि मैं मिल्क पी रहा हूँ इससे सिर्फ कलर चेंज हुआ है और फ्लेवर पे बिल्कुल एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पर और इसकी पैकेजिंग पे गट्स इन्होंने लिखा हुआ है इंडल्जेंस ऑफ डार्क चॉकलेट दैट इज स्मूथ एंड क्रीमी सैटिस्फैक्शन इन ओनली अ सिप मोर लाइक इंडल्जेंस ऑफ पुअर क्वालिटी कोको पाउडर दैट ओनली टेस्ट लाइक मिल्क एंड देयर इज नो सैटिस्फैक्शन इन एनी सिप तो मेरे लिए ऑनेस्टली ये काफ़ी ज़्यादा एपिक फेल है स्पेशली बिकॉज difference you can see so I'm going to rate this 2 out of 10 ab maidan mein utar ke aa rahe hain country bean hot chocolate mocha flavor jisse mujhe thodi expectation zyada hai because isme real chocolate hai covercha chocolate hai and corn flour bhi hai which will hopefully make our hot chocolate thick fun fact guys ye mere kitchen mein 1 saal se pada hai aur aaj hi iski expiry date hai मैंने 1 साल से नहीं पिया बट आज जिस दिन ये एक्सपायर हो रहा है उसी दिन मुझे लगा चलो एक हॉट चॉकलेट प्रीमिक्स वीडियो करी जाए सो आई होप दिस इज स्टिल ओके फॉर मी टू टेस्ट लेट्स मेक इट आई लव इसका कलर एज कम्पेयर टू प्योरामेट ये बहुत ज़्यादा रिच एंड डार्क है एंड इफ यू लुक क्लोजली इसमें चॉकलेट चंक्स है एंड आई कैन टेल दैट दिस इज प्रॉबेबली कैलिबू विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट
तो हमारा कंट्री बीन हॉट चॉकलेट इज रेडी एंड एज यू कैन सी इसका कलर काफी ज्यादा रिच एंड इंटेंस बना है एज कम्पेयर टू हमारा मिल्की प्योरामेट हॉट चॉकलेट. बट अनफॉर्चुनेटली आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद द थिकनेस ऑफ द कंट्री बीन हॉट चॉकलेट ऑल्सो. वैसे गाइस एक बात बताओ तो हॉट चॉकलेट मिक्स तो एक बार मैंने बनाया था. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है सिंगिस किंग में एक मूवी का जो कोई भी अपनी स्टोरी सुनाता था कहता ये तो एक बार मैंने किया था. बट एक बार मैंने एक्चुअली हॉट चॉकलेट मिक्स एक लिमिटेड एडिशन 2 years पहले क्रिसमस पे एक ब्रांड के साथ किया था एंड उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स करे थे एंड आई फाउंड आउट दैट इन्होंने ऑल दो इन्ग्रीडियंट्स में कॉर्नफ्लावर डाला है बट जब तक आप उसको कुक करके बॉयल पर नहीं लाओगे कॉर्नफ्लावर एक्टिवेट नहीं होगा एंड आपका हॉट चॉकलेट ठीक नहीं होगा. सो आई फील मैंने ट्राई नहीं किया बट आई फील दैट इसी रेसिपी को अगर मैं सॉस पैन पे अच्छे से कुक करके बॉयल पर लाऊं तो ये सेम हॉट चॉकलेट एक्चुअली काफ़ी नाइस और थिक बन सकता है. सो फीडबैक फॉर ईदर द ब्रांड और हुएवर इज यूजिंग इट बॉयल करके पियो तो आई थिंक ज़्यादा थिकर वो बनेगा बिकॉज द कॉर्नफ्लावर विल एक्चुअली मेक द हॉट चॉकलेट थिक. आई मीन यू गेट द पॉइंट. सो आई एम गोइंग टू टेस्ट इट नाउ. यम, बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड लाइक जेन्युइनली अगर आप पता है ऑनेस्टली मुझे लगता है कोई अगर नॉर्मली सिर्फ कोको पाउडर वाली हॉट चॉकलेट पिएगा ना दे माइट लाइक इट बट वेन यू कंपेयर इट एंड इसके बाद जो मैंने रियल चॉकलेट वाली हॉट चॉकलेट पी है दिस मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस एंड वाइल द कंसिस्टेंसी आई फील कुड बी थिकर द टेस्ट फॉर मी इज अ 10/10. सो टोटल रेटिंग मैं इसको देने वाला हूँ. मुझे आप पता है कैसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं शामक डावर हूँ एंड झलक दिखला जाओ और मैं किसी के परफॉर्मेंस को रेट कर रहा हूँ. सो आई एम गोना रेट दिस 8/10. आपने तो रायता फैला, आपने हॉट चॉकलेट फैला दिया. हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है व्हाइट माउंटेन हॉट चॉकलेट जिसमें नो प्रेजर्वेटिव्स एंड नो एडिटिव्स हैं एंड इसमें कोकोनट शुगर है एंड फॉर सम रीज़न हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाला गया है. देखने में ऐसे लग रहा है कि किसी ने थोड़ी सी मिट्टी भर के मुझे जार में भेज दी है बट द कलर लुक्स नाइस. लेट्स टेस्ट इट आउट. Alright, so ये हॉट चॉकलेट रेडी है एंड मुझे इसके टुवर्ड्स ज्यादा कुछ फीलिंग्स नहीं है बट एंड एक और हॉट चॉकलेट जो कि सिर्फ एक गरम थोड़ा सा माइल्डली चॉकलेटी मिल्क जैसा टेस्ट कर रहा है एंड इसका जितना चॉकलेटी टेस्ट आ रहा है वो भी मुझे फॉर सम रीजन थोड़ा सा सिंथेटिक वाइब हो रहा है एंड यू नो आई फील दैट अगर आप हॉट चॉकलेट पी रहे हो वर्सेज एक चॉकलेट मिल्क थोड़ा सा एक माउथ फील होना चाहिए. इट शुड कोट योर माउथ थोड़ा बहुत ऐसे काफ़ी फीलिंग लाइक मास्टर शेफ जज नाउ आफ्टर काफ़ी समय जर्नी हो रही है आज थ्रू टीवी शोज बट आई फील लाइक वो अनफॉर्चुनेटली अगेन इसमें भी मिसिंग है. सो आई एम गोइंग टू रेट दिस द सेम एज प्योरामेट विच इज 2/10. सो गाइस क्रिस्टोफर कोकोआ को लग रहा है कि ये स्प्लिट्स वाला पे आए हैं बिकॉज इनकी अलग ही स्ट्रैटेजी यहाँ पे चल रही है. पैकेजिंग पे एक अलग सेक्शन बनाया है हेल्थ बेनिफिट्स. 2 cups ऑफ कोकोआ अ डे बेस्ड ऑन स्टडीज डन बाय लीडिंग मेडिकल जर्नल्स एंड यूनिवर्सिटीज बूस्ट्स इम्यून सिस्टम विद आयरन जिंक एंड 2-4 और ऐसे मिनरल्स विटामिंस इम्प्रूव्स मसल एंड नर्व फंक्शंस लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. मतलब एक सर्विंग में इन्होंने खुद उसके नीचे लिखा हुआ है दैट 108 calories है एंड ये मैं 2 बार पीऊँ दिन में. Sure, that sounds good. Let's try it out. So I like how इसके अंदर ऐसे cute से sachets है और इस पर लिखा है that आप इसको water से भी बना सकते हो और milk से भी बना सकते हो but I'm gonna make it with milk today. So इस hot chocolate के ratio में बहुत ही ज़्यादा कम milk है और अगर आपको लग रहा है कि मैं हर glass में कुछ अलग अलग डाल रहा हूँ that is not because मैं अपने मन से कुछ भी डाल रहा हूँ. मैंने बहुत ही अच्छे से जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ. इनफैक्ट जितने अच्छे से मैं इन सारे हॉट चॉकलेट प्रीमिक्सेस का बायोडेटा पढ़ रहा हूँ अब तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं शिवेश के स्वयंवर पे हूँ. कौन सा हॉट चॉकलेट बनेगा मेरा जीवन साथी और इससे मुझे थोड़ी पोटेंशियल दिख रही है. बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है. बहुत ज़्यादा पाउडरी सा टेस्ट आ रहा है और पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा नमकीन भी है ये हॉट चॉकलेट
आई मीन थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज फाइन बट एंड इसमें थोड़ा माउथफुल है बट ये वाला माउथफुल यू डोंट वॉन्ट बिकॉज दिस इज नॉट नमक थोड़ा ज़्यादा डाल गया है इससे गलती से आई थिंक इस पैकेट में टू सॉल्टी एंड नॉट यमी एट ऑल आई एम गोना रेट दिस अ 3/10 बिकॉज एट लीस्ट दैट रिचनेस इज देयर बट द फ्लेवर आई डोंट लाइक एट ऑल गाइस प्लीज ना ट्राई करना कैमरा पे आके है ना बहुत ही खट्टा नमकीन कुछ थोड़ा समथिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन इन हियर गाइस मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और जितना मुझे लग रहा था ये फन होगा ये बिल्कुल भी फन नहीं रहा है अभी तक सिर्फ एक हॉट चॉकलेट मुझे पसंद आया है बट आई हैव सेव्ड द पोटेंशियल बेस्ट फॉर द लास्ट ये कोको सूत्रा हॉट चॉकलेट स्विस वनीला फ्लेवर लश्स ब्लेंड ऑफ चॉकलेट एंड एरोमेटिक कोको प्लीज डोंट ब्रेक माय हार्ट बिकॉज मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और शायद तुम ही बन जाओ मेरे जीवन साथी मैं हॉट चॉकलेट जीवन साथी लेट्स ट्राई इट आउट छन से जो टूटे कोई सपना नॉट बैड मुझे इसकी स्मेल थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लग रही थी बट द टेस्ट इज नॉट बैड थैंक गॉड अगेन एंड पता है मैं जेनरली दिस इज नॉट अमेजिंग आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू ये अमेजिंग नहीं है बट इतने सारे बुरे हॉट चॉकलेट्स टेस्ट करने के बाद मुझे ये जेनरली इतना बुरा नहीं लग रहा बिकॉज अगेन एटलीस्ट चॉकलेटी टेस्ट है इट्स रिच इट्स डिलिशियस बट विल आई बी सैटिस्फाइड इफ आई एम क्रेविंग अ कम्फर्टिंग कप ऑफ हॉट चॉकलेट और कोई मुझे ये देगा तो क्या मैं सैटिस्फाइड होऊंगा I don't think so, but I'm still gonna rate this a 6/10. So guys, ये वाली वीडियो करके मैंने एक चीज सीखी है that please don't waste your money और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके घर पे हॉट चॉकलेट बना लो I'm gonna link my recipe in the description box below. Genuinely बहुत अच्छी बनती है अब तो मैं actually काफ़ी confidently कह सकता हूँ So please just थोड़ा सा extra effort करके get your hands on the ingredients and try making it at home. थोड़ा extra effort लगेगा but trust me, it'll be totally worth it. Out of all of these hot chocolates जो मैंने taste करी है आज most definitely the country bean hot chocolate stands out for me on number one but we have to also keep in mind कि ये वाली सबसे ज़्यादा expensive भी थी this is $4.99 जो कि काफ़ी expensive है but I feel that if I have to pick one तो I will definitely buy this one which आरी ने आज expire होने से पहले एक मतलब आज actually expire होते होते मुझे एक कप ऑफ डिसेंट हॉट चॉकलेट दिया है सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट लेट मी नो अगर आपने ऑनलाइन या कहीं और कोई और हॉट चॉकलेट प्रीमिक्स देखा है दैट यू वुड लाइक मी टू ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट एंड मुझे कॉमेंट्स में बताओ विच वन वॉज योर फेवरेट देख के बिकॉज ऑब्वियसली मतलब सिर्फ मैं टेस्ट कर रहा था बट यू कैन स्टिल टेल मी आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू डिड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल And I'll see you guys next week with another episode of Tested by Shivesh.